सो भाई लोग आ चुके बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में, एंड साथ ही साथ आप लोग को सिखाने वाले कुछ इस टाइप का फुल फोटो एडिटिंग। एंड जब भी आप लोग फुल फोटो एडिटिंग करते होंगे तो फुल एच डी हाई क्वालिटी नहीं कर पाते होंगे, एंड आप लोग कहते हैं ना आदेश भाई फुल फोटो एडिटिंग का आप अपने यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल लेकर के आओ बहुत ही ज़्यादा फुल एच डी हाई क्वालिटी। सो गाइस आप लोग कहते हैं ना आदेश भाई फुल फोटो एडिटिंग नहीं कर पाते हो। सो दोस्तों देखिए कितना बवाल तरीके से हम बैकग्राउंड को एडिटिंग किए हैं। ये मेरा बिफोर फोटो है एंड आफ्टर, एंड आफ्टर ये वाला फोटो देख लीजिए कितना गजब का लुक हम बैकग्राउंड में डाले हैं। सो गाइस अगर आप लोग को सीखना होगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएं। एंड आज का आप लोग वीडियो देख लेंगे तो फुल फोटो एडिटिंग करेंगे तो फुल एच डी बनाना सीख जाएंगे, एंड कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड कलर फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ओरिजिनल फोटो को, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस हम लोग आल फोटोज में आ जाते हैं, एंड दोस्तों आल फोटोज में आने पर सिंपली ये हम लोग का देखिए प्रीसेट है, ठीक है। प्रीसेट आप लोग यूज करते होंगे तो आप लोग के फोटो के ऊपर काम नहीं करता हो, जैसे कि शेयर के बगल में थ्री डॉट पर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ से कॉपी कर लेंगे, टूल्स को सही कर देंगे, ज्योमेट्री को सही कर देंगे, एंड यहाँ से डन कर लेंगे, एंड बैक आएंगे एंड नॉर्मल फोटो पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे आप लोग नॉर्मल फोटो पर क्लिक करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना तो आप लोग का फोटो के ऊपर प्रीसेट मेरा काम नहीं करेगा, एंड हमारे प्रीसेट के ऊपर काम कर दिया है। सो गाइस मैं आप लोग को ऐसे नहीं सिखाने वाला हूँ, एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, एंड शुरू से लेकर के मैं अच्छे से एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है। प्रीसेट आप लोग के फोटो के ऊपर काम नहीं करता है, तो मैं आप लोग को एक एक स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ओरिजिनल तरीके से एडिटिंग करेंगे फुल एच डी हाई क्वालिटी। ओके सो भाई लोग सबसे पहले आप लोग को स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना होगा, एंड एक एक स्टेप के बारे में बताने वाले हैं जो आप लोग उस तरीके से बैकग्राउंड एडिटिंग करना सीख जाएंगे किसी भी फोटो का, एंड फुल फोटो बनाएंगे फुल एच डी हाई क्वालिटी। सो दोस्तों शेयर करने में सिंपल आपको टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा, एंड टूल्स वाले आइकन पे आने में सिंपल आपको कर्स वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा, एंड दोस्तों कर्स वाले ऑप्शन पे आने सिंपल देखिए सर्कल होगा, ठीक है, उस पर आप लोग आ जाइएगा, एंड रेड टोन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से हल्का सा आप लोग नीचे डाउन कीजिएगा, ठीक है, ये जो एरो है हल्का सा डाउन कीजिएगा तो ग्रीन आप लोग का बैकग्राउंड हो जाएगा। इतना करना सिंपल आप लोगों को डन कर लेना है। एक एक स्टेप के बारे में बताने वाले हैं वो भी बिल्कुल न्यू ट्रिक, ठीक है ना जान, सिंपली इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, एक एक स्टेप मैं समझा दूंगा आप लोग को। सो दोस्तों इतना करने के बाद सिंपल आप टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा, एंड आप लोग के लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर कॉपी पेस्ट सेटिंग नहीं करता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, मैं इस वीडियो में आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जान, ठीक है ना जान। सिंपली इतना करना सिंपल सेलेक्टिव ऑप्शन पे आ जाइएगा, एंड कुछ इस तरीके से हल्का सा आप लोग फेस के ऊपर ब्राइटनेस को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, हल्का सा कीजिएगा प्लस 54 कर देना है। सो दोस्तों इतना करना सिंपल है, सब लोग को डन कर लेना है। डन करना सिंपली टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा, एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा यहाँ पे देखिएगा ट्यून वेज, ट्यून वेज पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड हल्का सा एम्बियंस को बढ़ा लीजिएगा तो कुछ इस तरीके से 42 प्लस कर देना है, एंड हाईलाइट्स को प्लस ही में रखना है, ठीक है, 41 प्लस, एंड शेडो को आप लोग को माइनस कर देना है तो 41 माइनस कर दे रहे हैं। सो दोस्तों इतना करना सिंपल है, सब लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा, एंड यहाँ पे टोटल कंट्रास्ट होगा, ठीक है, टोटल कंट्रास्ट को यहाँ से हाई टोन को आप लोग को देखिए 100 प्लस कर देना है, एंड मीडियम टोन को भी आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा, एंड लो टोन्स को भी आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा, प्रोटेक्ट शैडो को भी आप लोग को 100 प्लस, एंड प्रोटेक्ट हाईलाइट्स को भी आप लोग को 100 प्लस ही रखना है। सो दोस्तों इतना करना सिंपल है, आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, उस पर आ जाएंगे, व्यूडिस पे आ जाएंगे, एंड टोटल कंट्रास्ट ब्रश वाला आइकन, ठीक है ना जान, ब्रश वाला आइकन पे आना सिंपली कुछ इस तरीके से आप लोग जहाँ जहाँ पे देखिएगा बैकग्राउंड, ठीक है ना, कम लाइट होगा लो लाइट होगा वहाँ वहाँ पे आप लोग ब्रश को अप्लाई कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग को दिख नहीं रहा है, देखना है तो सिंपली आई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है, रेड रेड, तो सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। एंड दोस्तों डन करना सिंपली हम लोग बैक आ जाते हैं, बैक आने फिर से आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा, एंड ब्रश वाले आइकन पे आ जाइएगा, एंड सेचुरेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड सेचुरेशन पे क्लिक करना है सिंपली आप लोग को बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है ना, हल्का सा आप लोग सेचुरेशन को अप्लाई करना है बैकग्राउंड के ऊपर। सो दोस्तों आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। सो भाई लोग इतना करना सिंपल है, आप लोग को डन कर लेना होगा। देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपल आपको शेयर कर लेना होगा लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ओके सो भाई लोग हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग के लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर मेरा प्रीसेट क्यों काम नहीं करता, ठीक है जान। सिंपल आप लोग शेयर के बगल में थ्री डॉट बिंदु होगा उस पर क्लिक कर देते होंगे, एंड यहाँ से आप लोग पेस्ट कर देते होंगे, ठीक है ना जान। जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ मेरे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर मेरे फोटो के ऊपर मेरा प्रीसेट काम कर दे रहा है, एंड आप लोग के फोटो के ऊपर आपका प्रीसेट काम नहीं करता होगा। तो सिंपली मैं बता दूँ आप लोग को क्या सेटिंग करना है। सिंपली हम लोग बैक आ जाते हैं, एंड दोस्तों बैक आने में सिंपली यहाँ पे देखिएगा ऑटो होगा, ठीक है, लाइट के बगल में ऑटो होगा। जैसे आप लोग ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का एडजस्ट कर लेगा फोटो, ठीक है ना। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली अब आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर के बगल में थ्री डॉट बिंदु होगा उस पर क्लिक करेंगे,
एंड उस पर क्लिक करना, सिंपली आप लोग को पेस्ट सेटिंग करना है। सो भाई लोग जैसे आप लोग पेस्ट सेटिंग करेंगे तो आप लोग को फोटो वन क्लिक में एडिटिंग हो जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली आप लोग देखिए सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, प्लस वाले आइकन पे आ जाएगा ब्रश पे एंड छोटा सा बिंदु उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड आप लोग ना बैकग्राउंड के ऊपर कहीं भी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, सिर्फ आप लोग बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना जान। अगर आप लोग को फोटो बवाल का बनाना है, ठीक है ना, सिंपली इतना करना सिंपली आप लोग देखिए कलर ऑप्शन पे आ जाएगा। एंड आप लोग यहीं से ना कोई सा भी कलर आप लोग बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइस जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बवाल का आप लोग का फोटो का लुक आ जाएगा, पीछे का बैकग्राउंड जो मैं आप लोग को थंबनेल में दिखाया था, बिफोर आफ्टर सिखाया हूँ, ठीक है ना जान। तो आशा करते हैं वीडियो से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग को मेरा पीछे चाहिए तो ऊपर दो वीडियो दिख रहा होगा, उस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेंगे, तो उसी वीडियो में मैं अपना पीछे बताया हूँ कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा एंड दोस्तों के एंड अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरी जान, लव यू।